नमस्ते दोस्तों, हमारे स्पेशल सेशन टू द पॉइंट में आज हम बात करेंगे कावेरी नदी की। हम आपको बताएंगे कावेरी नदी का उद्गम स्थान संगम यानी मुहाना, साथ ही हम आपको बताएंगे इसकी सहायक नदियों के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम आपको बता दें कावेरी नदी का उद्गम स्थल है कर्नाटक, और कर्नाटक में है पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है कावेरी नगरी? कर्नाटक। और कर्नाटक में कहाँ से? पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है कावेरी नदी। हम आपको बता दें कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। अगर एग्जामिनर पूछे आपसे कि दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, तो आपको आंसर लगाना गोदावरी। और एग्जामिनर पूछे दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तो आपको आंसर लगाना है कावेरी। आगे इसके अलावा यह कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। किस किस राज्य में बहती है? कर्नाटक, फिर तमिलनाडु और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये नदी एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है, जो कि दक्षिण भारत का बगीचा यानी गार्डन ऑफ साउथर्न इंडिया कहा जाता है। किस नदी द्वारा बनाया गया डेल्टा दक्षिण भारत का बगीचा यानी गार्डन ऑफ साउथर्न इंडिया कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा कावेरी नदी द्वारा बनाया गया। कावेरी नदी किन किन दो राज्यों में से बहती है? एक कर्नाटक और एक तमिलनाडु। अब हम बात करते हैं कावेरी की सहायक नदियों के बारे में, जो कि अक्सर एग्जाम में आती हैं। अर्कवती, हेमवती, लक्ष्मण तीर्थ, सिमसा, काबनी, भवानी, हरंगी आदि, ये सभी हैं, ये सभी कावेरी की सहायक नदियां हैं। हेमवती को हेमावती भी कई बुकों में लिखा रहता है इसका नाम। इसके अलावा कावेरी नदी पर शिव सुंदरम जलप्रपात तथा श्री रंगपट्टम एवं शिव समुद्रम द्वीपों की उपस्थिति इसका महत्व बढ़ा देती है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा शिव सुंदरम जलप्रपात किस नदी पर है, आपका आंसर होगा कावेरी। और किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। इसके अलावा श्री रंगपट्टम द्वीप कहाँ उपस्थित है, किस नदी पे, किस नदी के मध्य उपस्थित है? तो आपका आंसर होगा कावेरी। तो हमने आपको बताया आज कावेरी नदी के बारे में। कावेरी नदी का उद्गम स्थान कर्नाटक, और कर्नाटक में स्थित पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, जिसकी लगभग ऊंचाई 1341 है, जिसकी ऊंचाई यहाँ से निकलती है, और इसकी लंबाई 800 किलोमीटर के लगभग है। और हमने बताया आपको कि दक्षिण भारत की गंगा, अगर आपसे एग्जामिनर पूछे तो आप आंसर लगाओगे कावेरी, और पूछे दक्षिण की गंगा तो आंसर होगा गोदावरी। और कावेरी नदी पर एक जलप्रपात स्थित है जिसका नाम है शिव सुंदरम, और श्रीरंगपट्टम द्वीप भी कावेरी नदी में स्थित है। हमारे आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।